हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस पे आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं और डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अभी तक हम लोग ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका चल रहा है और सेकेंड चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको आसानी से हो जाए। और जो लोग भी DMRC का फॉर्म भरे हैं, अच्छे से तैयारी करिए। इलेक्ट्रिकल विजन क्लासेस आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, और उससे अच्छी तैयारी के लिए आप पेड क्लासेस लीजिए। उसमें आपको फुल इलेक्ट्रिकल का जो भी सिलेबस है वो आपको वीडियोज़ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और उससे आप घर बैठे अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और वीडियोस दोनों लें, और DMRC का एग्ज़ाम में टेक्निकल पोर्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, ये पूरा भरोसा मुझे है कि इन दोनों को पढ़ करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये जो वीडियोस आ रही हैं ये भी आती रहेंगी, और आप सभी को जो भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। नेट की दिक्कत की वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए प्रीमियर करके आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है वो है आपका चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है आपका डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट है क्या? डीसी सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें डीसी सप्लाई दी जाए, क्या कहलाएगा आपका डीसी सर्किट? एक ऐसा सर्किट जिसमें डीसी सप्लाई दी जाए कहलाएगा आपका डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है आपका किरचॉफ लॉ। डीसी सर्किट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने आपके दो नियम दिए थे। पहला था आपका KCL और दूसरा था आपका KVL। KCL और KVL, KCL को कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, KCL कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और KVL को कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के धारा का नियम और किरचॉफ के वोल्टता का नियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की, यानी KCL की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ की, यानी किरचॉफ के धारा का नियम। तो किरचॉफ ने धारा का नियम क्या दिया? किरचॉफ ने जो करंट का लॉ दिया वो ये था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। किसी भी बिंदु या जंक्शन पर मिलने वाली जो भी आपकी करंट्स हैं, जो भी आपकी धारा है, उसका बीजीय योग यानी अलजेब्रिक सम क्या होगा? आपका जीरो होगा। तो KCL क्या कहता है? KCL ये कहता है कि σi बराबर जीरो। σi मतलब जो भी आपका करंट है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? आपका जीरो होगा। ये है आपका KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। फिर से समझ लीजिए, किरचॉफ का करंट का नियम क्या है? किरचॉफ का करंट का नियम ये कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। किसी भी बिंदु या जंक्शन पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। ये है आपका किरचॉफ का करंट लॉ। अब मान लीजिए कि ये आपका कुछ ऐसा, मान लीजिए आपके पास एक जंक्शन है जिसमें करंट आपकी I1, I2, I3, I4 और I5 आपको गिवन है। ये आपके सामने जंक्शन बना है जिसमें आपको करंट I1, I2, I3, I4 और I5 गिवन है।
तो अगर अंदर आने वाली करंट हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं तो बाहर जाने वाली करंट को आपको नेगेटिव में लेना होगा। और किरचॉफ के नियम के अनुसार जितना भी आपका जो करंट है उसका जो आपका एल्जेब्रिक सम है, जो आपका योग होगा, वो किसके बराबर होगा? हमेशा 0 के बराबर होगा। तो अब देख लीजिए, यहां से आपको क्या मिला, प्लस वाले को एक तरफ रोक लेते हैं और माइनस वाले को दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो यहां से आपको क्या मिला, I1 + I2 + I3 = I4 + I5। इसको आप कह सकते हैं I1, I2, I3 क्या है, जो जंक्शन की ओर आ रही है धारा, यानी जो इनवर्ड डायरेक्शन में इनकमिंग करंट है, और I4 और I5 क्या है, वो करंट है जो कि जंक्शन से बाहर जा रही है, यानी आउटगोइंग करंट है। तो इसको आप कह सकते हैं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। एक्चुअल में क्या लॉ था, एक्चुअल में जो लॉ था वो ये था कि सिग्मा आई बराबर 0, मतलब जितनी भी आपकी करंट इस जंक्शन पर मिल रही है उसका जो सम होगा वो 0 होगा। जब हम लोग ने वैल्यूज रख के देखा तो हमें ये मालूम पड़ा कि जितनी करंट आपकी जंक्शन में अंदर आ रही है उतनी ही करंट आपकी बाहर जा रही है। ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। तो सबको समझ में आ गया? अगर किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए, किरचॉफ करंट लॉ क्या है कि किसी भी बिंदु या जंक्शन पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग आपका हमेशा शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर 0, यह है आपका किरचॉफ करंट लॉ। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वोल्टा का नियम क्या है, वोल्टा का नियम यह है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी बंद परिपथ में जितना आपका EMF का होगा उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा इक्वल होता है उसमें हो रहे IR ड्रॉप के एल्जेब्रिक सम के। यानी KVL कहता है कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा IR, यानी किसी भी क्लोज लूप में जो आपका EMF होगा उसका जितना एल्जेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा जो IR ड्रॉप हो रहे उसके एल्जेब्रिक सम के। यह है आपका किरचॉफ का वोल्टा का नियम और यह है आपका किरचॉफ का धारा का नियम। याद क्या रखना है, कई बार इसको पूछ लेता है कि जंक्शन रूल किसको कहते हैं, जंक्शन रूल किसको कहते हैं, तो KCL याद रखिएगा, KCL को जंक्शन रूल भी कहते हैं और जो आपका KVL है KVL को आप लूप लॉ भी कहते हैं। यह आपका पूछा जा सकता है, जो आपका किरचॉफ का धारा का नियम है उसको आप जंक्शन रूल कहते हैं और जो आपका किरचॉफ का वोल्टता का नियम है उसको आप लूप लॉ कहते हैं, लूप लॉ। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बैटरी लगी है जिसका EMF E है और एक रेजिस्टेंस लगा है R और करंट आपकी फ्लो हो रही है I, तो इस जो आपका नियम है KVL किरचॉफ के वोल्टा का नियम, इसके अनुसार जितना भी आपका EMF होगा, यहाँ पे कितना है E है, वो बराबर होगा जितना उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके एल्जेब्रिक सम के। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है तो एक ही ड्रॉप होगा IR ड्रॉप, तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका IR। ये है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सिग्मा आई बराबर आपका 0 है, ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, वो है आपका करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स
करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स यानी धारा स्रोत, वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टता स्रोत। धारा स्रोत और वोल्टता स्रोत, तो सबको पता होगा कि करंट सोर्स क्या होता है, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा स्रोत जो कि करंट को सप्लाई करता है वो क्या कहलाता है, आपका करंट सोर्स। और एक ऐसा सोर्स जो कि वोल्टेज सप्लाई करता है क्या कहलाता है, आपका वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल करंट सोर्स और एक होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। एक होता है आदर्श और एक होता है प्रयोगात्मक, आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल और प्रैक्टिकल। तो इसमें जो पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, और वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं इससे सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा कि अगर आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर आपके पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वो आइडियल कंडीशन में है तो उसका क्या होगा, और अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, बस माना जाता है कि वो आइडियल है, और प्रैक्टिकल क्या होगा, आइडियल के करीब रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बात करें यहाँ पे करंट सोर्स की, तो करंट सोर्स में आइडियल जो करंट सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपका इनफाइनाइट यानी अनंत। करंट सोर्स का जो आपका आइडियल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका इनफाइनाइट यानी अनंत। अब हमें पता है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अनंत तो नहीं कर सकते, लेकिन रेजिस्टेंस कितना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यानी बहुत अधिक। तो क्या होगा, प्रैक्टिकल का जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वेरी हाई यानी बहुत अधिक। अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स में बात करें तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना होता है, आपका जीरो यानी शून्य। अब बात करें प्रैक्टिकल की, तो कोई भी चीज़ आइडियल हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल में आइडियल से करीब रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जीरो है तो यहाँ क्या होगा, बहुत निम्न यानी वेरी लो, बहुत निम्न यानी वेरी लो। तो ये देखिए आपने जो देखा, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स ये दोनों ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आपके में पूछा भी गया है कि जो करंट सोर्स है उसका प्रैक्टिकल कंडीशन में जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो इसमें याद रखिएगा प्रैक्टिकल की बात करें तो आपका वेरी हाई, और अगर आइडियल पूछ ले तो इनफाइनाइट। उसी तरह अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें, वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल कंडीशन का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और अगर वोल्टेज सोर्स आपका प्रैक्टिकल का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका वेरी लो। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका UPPCL हो चाहे आपका DMRC हो, किसी में भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर और अमीटर, वोल्ट मीटर और अमीटर। तो वोल्ट मीटर और अमीटर सब जानते हैं, वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज नापती है, और ये क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट नापती है, अमीटर कहलाती है। तो वोल्ट मीटर और अमीटर के केस में भी आपको यही पूछा जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसका कितना होगा, प्रैक्टिकल के केस में कितना होगा, और आइडियल के केस में कितना होगा। तो याद रखना है कि वोल्ट मीटर का जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेम टू सेम होता है आपका करंट सोर्स के, और जो आपका अमीटर है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेम टू सेम होता है आपका वोल्टेज सोर्स के। यानी वोल्ट मीटर का भी आपका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका आइडियल की कंडीशन में इनफाइनाइट होगा, और जो प्रैक्टिकल की कंडीशन में आपका जो आइडियल जो आपका वोल्ट मीटर है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत उच्च होगा यानी वेरी हाई होगा। इसकी बात करें यानी अमीटर की बात करें, तो अमीटर में जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपका आंतरिक प्रतिरोध आदर्श अवस्था में होगा, आइडियल कंडीशन में वो आपका जीरो होगा, और प्रैक्टिकल कंडीशन में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत निम्न होगा यानी वेरी लो होगा।
तो बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि करंट सोर्स लिखते हैं तो करंट सोर्स के जैसा ही एमीटर में सेम टू सेम कर देते हैं, और वोल्टेज सोर्स लिखते हैं तो वैसा ही वोल्टमीटर में कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। याद रखना है कि जो करंट सोर्स है उसका उल्टा आपका, जो आपका करंट सोर्स है उसका उल्टा एमीटर है, और जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसका उल्टा आपका वोल्टमीटर है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। इन चारों में से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, तो आपको इन सबको अच्छे से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। करंट सोर्स और वोल्टमीटर की रीडिंग हमेशा सेम रहेगी इंटरनल में, इंटरनल रेजिस्टेंस की, और वोल्टेज सोर्स और एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपस में एकदम सेम रहता है। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी प्रतिरोध आपस में श्रेणी में, प्रतिरोध श्रेणी में, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी प्रतिरोध समानांतर में, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, प्रतिरोध श्रेणी में और प्रतिरोध समानांतर में। सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लीजिए आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं, ये है ए और ये है बी टर्मिनल, और रेजिस्टेंस है आर वन आर टू और आर थ्री। आर वन आर टू और आर थ्री आपके पास तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, और ए और बी आपको टर्मिनल दिया है। तो याद क्या रखना है कि जब रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होते हैं, जब रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होते हैं तो उसमें जो धारा का मान होता है, जो करंट होती है वो सेम होती है, यानी सब में सेम करंट फ्लो होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं तो ये उसकी पहचान है कि उसमें सेम करंट फ्लो हो रही है। अगर आपको कहीं सीरीज पैरेलल में आपको ये चेक करना है कि कौन से रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में हैं, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट देख लीजिए। जिस प्रतिरोध में करंट सेम फ्लो हो रही है वो आपस में सीरीज में है, और जहाँ नहीं फ्लो हो रही वो आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेम करंट फ्लो होगी। अब अगर इसको आप वी वोल्टेज से, वी सप्लाई वोल्टेज से आप इसको जोड़ देंगे, और यहाँ पे आपको पता है करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। तो यहाँ पे जब ये करंट आई वन के पास पहुँचेगी तो ड्रॉप होगा आई आर वन, इसको हम लोग मान लेते हैं वी वन। आर टू के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा वी टू, और आर थ्री के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा आपका वी थ्री। क्योंकि आपकी करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इसमें ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होगा V1, V2 और V3। तो जो टोटल वोल्टेज होगा V वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 और V3 के। अब आपको पता क्या है, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या है, IR। ये क्या था आपका, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, आई आर वी वन, जो आर वन के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है क्या हो रहा है, आई आर वन। आर टू के अक्रॉस कौन सा ड्रॉप हो रहा है, आई आर टू। आर थ्री के अक्रॉस कौन सा ड्रॉप हो रहा है, आई आर थ्री। तो इससे क्या मिला आपको, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आपने देखा कि जब आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं, जब आपके रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली सबको जोड़ देते हैं। याद क्या रखना है कि जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो क्या करना है, सेम टू सेम जितने भी आपके लगे हुए रेजिस्टेंस सबको आपस में खाली जोड़ देना है, और आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भी
रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, तो उसमें जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी प्रतिरोध समानांतर में। ये मान लीजिए R1, ये R2, ये R3, वोल्टेज है यहाँ पे V, टोटल करंट जा रही है आपकी I, यहाँ पे गई I3, यहाँ गई I2 और यहाँ गई I1, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, पैरेलल के केस में, समानांतर केस में, जिस तरह आपने देखा था कि श्रेणी में यानी सीरीज में आपकी करंट की वैल्यू सेम थी, धारा का मान समान था, उसी तरह याद रखना है कि जब भी आपस में रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, यानी वोल्टता का मान समान रहता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, सीरीज में करंट सेम रहेगी और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल करंट है आई, वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। जो आपकी टोटल करंट है वो इक्वल है I1 प्लस I2 और I3 के। अब आपको पता क्या है, V बराबर IR, यानी I बराबर V अपॉन R। तो I1 बराबर क्या हो गया, V अपॉन R1, I2 बराबर क्या हो गया, V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो गया, V अपॉन R3। अब देखिए V और V कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास में, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया आपका पैरेलल और ये हो गया आपका सीरीज। जब कभी भी आपस में सीरीज में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो सभी को समझ में आ गया होगा, याद बस ये रखना है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम रहता है जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यानी धारा के वितरण का नियम, अब आपने देखा कि जब पैरेलल में हमने कनेक्ट किया तो इसमें करंट जो है वो डिवाइड हो रही है, तो पैरेलल की एक पहचान ये भी होती है कि जहाँ पर करंट डिवाइड हो वो दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, और जहाँ पर करंट सेम फ्लो हो जाए वो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में। तो यहाँ पे आपने देख तो लिया कि करंट डिवाइड हो रही है, I1, I2, I3 आपकी करंट फ्लो हो रही है, लेकिन I1, I2, I3 की वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसे आप निकालेंगे, ये चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि एक करंट क्या है आपकी I, और यहाँ पे आपके दो रेजिस्टेंस R1 और R2, दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2, R1 में करंट फ्लो हुई I1 और R2 में करंट फ्लो हुई I2, R1 में धारा बही आपकी I1 और R2 में धारा बही आपकी R2 में जो करंट फ्लो हुई वो है आपकी I2। अब अगर आपको निकालना है I1 कितना है, तो याद रखिएगा ये एक नियम है कि जिस पे आपको करंट निकालनी होती है उसके सामने वाला देखते हैं। यहाँ पे आपका R1 था, R1 के सामने क्या है आपका R2, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई
जो आपकी टोटल करंट सर्किट मेंटेन कर रही है वो, यानी आई वन बराबर क्या आ गया आपका, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई। इसी तरह क्या होगा, आई टू बराबर क्या आ जाएगा, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू आई। ठीक है, करंट डिवीजन रूल ये कहता है कि जब भी करंट डिवाइड होती है तो जिस रेजिस्टेंस पे आपको करंट निकालनी है आप उसके सामने वाला देखते हैं। यहाँ पे आपको आर वन पे करंट निकालनी है तो क्या करेंगे, सामने वाला देखेंगे, यानी सामने क्या है आपका, आर टू। तो क्या लिख दिया आपने, आर टू अपॉन में दोनों को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया आपने टोटल करंट से, ये हो गया आपका आई वन, इसी तरह हो गया आई टू। अब याद रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, जब रेजिस्टेंस आपस में समानांतर में है, तो जिसमें जिसका रेजिस्टेंस कम जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ये याद रखने के लिए है, ठीक है, कि जब रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं, जब प्रतिरोध आपस में समानांतर में जुड़े रहते हैं, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था आपका करंट डिवीजन, इसी तरह क्या होता है आपका वोल्टेज डिवीजन। ये था आपका करंट डिवीजन और ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है देख लीजिए, देखिए मान लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिए हैं आर वन आर टू और आर थ्री। ठीक है, मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस दिए हैं आर वन आर टू और आर थ्री, और टोटल वोल्टेज आपको दिया है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो इतने सप्लाई वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, इतनी वोल्टता से जुड़े हुए हैं। तो इसके करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड जो आपको बताया गया कि पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, सीरीज में होंगे तो जोड़ लीजिए, उसके बाद उससे आप करंट निकालिए और उसके बाद सबके आसपास में ड्रॉप कराइए आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, इससे आपको वी वन वी टू और वी थ्री का मान मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आपको करंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसको याद रखिए और उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर कि वी वन की, ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं वी वन की, तो इसमें याद क्या रखना है कि वी वन वोल्टेज है किसके अक्रॉस, वी वन वोल्टेज है आपका आर वन के अक्रॉस, किसके अक्रॉस है, आर वन के अक्रॉस है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे आर वन अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका टोटल सप्लाई वोल्टेज है, क्या है, टोटल सप्लाई वोल्टेज यानी वी है। तो वी वन क्या हो गया, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू वी। इसी तरह वी टू हो जाएगा, वी टू बराबर क्या हो जाएगा, आर टू के अक्रॉस का वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू वी। और इसी तरह आपका वी थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इंटू वी। ठीक है, ये हो गया वी वन वी टू वी थ्री। आपने क्या देखा कि करंट डिवीजन रूल में क्या हो रहा था कि जिस पे आपको निकालनी है आप उसके सामने वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है वोल्टेज डिवीजन में कि जिस पे आपको वोल्टेज निकालना है आप वही रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इतना से फर्क है कि इसमें जिस पे धारा निकालनी थी उस रेजिस्टेंस के सामने वाला ले रहे थे और इसमें जिस पे आपको वोल्टेज निकालना है आप वही रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा, इसमें याद रखिएगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा। ठीक, वोल्टेज डिवीजन रूल ये कहता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, इसमें करंट डिवीजन ये कहता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप में से कोई अभी भी ऐसा है जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उस पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, और इसमें कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, डेली आपके लिए एक वीडियो आती है और आपका जो भी सिलेबस है वो आपको कवर कराया जा रहा है। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है और आपको डीएमआरसी के लिए आप सच में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि
आप लोग स्टडी मटेरियल लीजिए और स्टडी मटेरियल लेकर के इलेक्ट्रिकल की वीडियोस लीजिए, पेड क्लास की जो वीडियोस हैं उसको लीजिए, और कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, लखनऊ में क्लासेस चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं, आप आएँ, आकर के ज्वाइन करें। 3 महीने का समय है, 3 महीने लेकर के आइए और 3 महीने में अच्छी से अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे थे, और यहाँ पे जब आपने क्लासेस करी और उसके बाद जब आपने का बैच ओवर होगा तो आपको दिख जाएगा कि आप अब किस लेवल पे आ गए हैं, और अब आपका कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से ज़्यादातर तो लोग अच्छी तैयारी करेंगे और तैयारी करके अच्छे से अच्छा नंबर एग्ज़ाम में लेंगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।